दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको शाहरुख खान जी की एक बहुत ही जबरदस्त मूवी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है राम जाने। दोस्तों यह 1995 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव मेहरा ने किया है, जो एक अनाम लड़के शाहरुख खान द्वारा अभिनीत के बारे में है जो बड़ा होकर गैंगस्टर बन जाता है। वो एक पुजारी से मिलने के बाद राम जाने नाम का उपयोग करता है, जो लड़के द्वारा उसका असली नाम पूछने पर जवाब में कहता है राम जाने राम जानता है। ये फिल्म 1938 की हॉलीवुड गैंगस्टर फिल्म एंजल्स विद डर्टी फेसेस से अपना आधार उधार लेती है। बाजीगर, डर और अंजाम के बाद ये चौथी बार है जब शाहरुख खान ने नकारात्मक भूमिका निभाई है। राम जाने को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। शाहरुख खान ने अपने बैनर रेप चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदे। वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत सफल रही, लेकिन राम जाने हिट साबित हुई। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों एक अनाम लड़का जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गाँव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली विवेक मुश्रान को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है, लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान अब समीर सनावला टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है, जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वह प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहाँ तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकलर पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है। राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं।
मुरली राम जाने से विनती करता है कि वो बहादुरी से न मरे ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्राल, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकलर इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर, भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2 लाख $69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए $6,40,000 की कमाई की। दोस्तों ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन $62,74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए $2,10,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए $3,80,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए $2,40,000 और 1.23 करोड़ रुपए $1,50,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया, जबकि अकेले हम अकेले तुमको फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों एक अनाम लड़का जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है राम जाने, राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली, विवेक मुश्राल को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान, अब समीर सनावला, टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली, विवेक मुश्राल बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर, अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने
अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वो प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है। राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं, जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्राल, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकल इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर, भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2,69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए $6,40,000 की कमाई की। दोस्तों, ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन ₹62,00,000 $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में $1.78 करोड़ रुपए $2,10,000 की शुद्ध कमाई की।
इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए $3,80,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए $2,40,000 और 1.23 करोड़ रुपए $1,50,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया, जबकि अकेले हम अकेले तुम को फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, एक अनाम लड़का जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गाँव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है, राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली विवेक मुश्रान को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है, लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान अब समीर सनावला टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है, जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वह प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहाँ तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकलर पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है। राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है।
लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वो बहादुरी से न मरे ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्राल, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकलर इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर, भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए, $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2,00,000, $69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए, $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए, $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए, $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए, $6,40,000 की कमाई की। दोस्तों, ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन ₹62,00,000, $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए, $2,10,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए, $3,80,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए, $2,40,000 और 1.23 करोड़ रुपए, $1,50,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए, $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया, जबकि अकेले हम अकेले तुमको फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, एक अनाम लड़का जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है, राम जाने, राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली, विवेक मुश्राल को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है, लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान, अब समीर सनावला, टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है, जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली, विवेक मुश्राल बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर, अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है
मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वो प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकलर पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है। राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं, जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्राल, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकलर इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर, भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2,69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए $6,40,000 की कमाई की। दोस्तों, ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन ₹62,00,000 $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए
$210,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए $380,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए $240,000 और 1.23 करोड़ रुपए $150,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया, जबकि अकेले हम अकेले तुम को फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, एक अनाम लड़का जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है, राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली विवेक मुश्रान को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है, लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान अब समीर सनावला टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है, जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वह प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है। राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है।
लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वो बहादुरी से न मरे ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्राल, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकलर इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर, भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2 लाख $69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए $6,40,000 की कमाई की। दोस्तों, ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन $62,74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए $2,10,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए $3,80,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए $2,40,000 और 1.23 करोड़ रुपए $1,50,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया, जबकि अकेले हम अकेले तुमको फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, एक अनाम लड़का जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है, राम जाने, राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली, विवेक मुश्राल को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है, लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान, अब समीर सनावला, टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है, जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली, विवेक मुश्राल बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर, अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है
मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वो प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकलर पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है। राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं, जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्राल, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकलर इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर, भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2,69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए $6,40,000 की कमाई की। दोस्तों, ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन ₹62,00,000 $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए
$210,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए $380,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए $240,000 और 1.23 करोड़ रुपए $150,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया, जबकि अकेले हम अकेले तुम को फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, एक अनाम लड़का जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है, राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली विवेक मुश्रान को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है, लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान अब समीर सनावला टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है, जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वह प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है। राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है।
लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्राल, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकलर इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर, भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2,00,000 $69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए $6,40,000 की कमाई की। दोस्तों, ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन $62,74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए $2,10,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए $3,80,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए $2,40,000 और 1.23 करोड़ रुपए $1,50,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया, जबकि अकेले हम अकेले तुमको फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, एक अनाम लड़का जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है, राम जाने, राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली, विवेक मुश्राल को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है, लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान, अब समीर सनावला, टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है, जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली, विवेक मुश्राल बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर, अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है
मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वो प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है। राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं, जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्राल, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकल इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर, भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2,69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए $6,40,000 की कमाई की। दोस्तों, ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी।
इसने अपने शुरुआती दिन 62 लाख रुपए $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए $210,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए $380,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए $240,000 और 1.23 करोड़ रुपए $150,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया, जबकि अकेले हम अकेले तुम को फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी के साउंडट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंडट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, एक अनाम लड़का जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है, राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली विवेक मुश्रान को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है, लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान अब समीर सनावला टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है, जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वह प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है। राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है।
अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्राल, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकल इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए, $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2,00,000, $69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए, $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए, $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए, $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए, $6,40,000 की कमाई की। दोस्तों, ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन ₹62,00,000, $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए, $210,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए, $3,80,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए, $2,40,000 और 1.23 करोड़ रुपए, $1,50,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए, $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया, जबकि अकेले हम अकेले तुम को फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, एक अनाम लड़का जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है, राम जाने, राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली, विवेक मुश्राल को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है, लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान, अब समीर सनावला, टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है, जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है।
जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वो प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवते घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है। राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं, जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्रान, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकल इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर, भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2,69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए $6,40,000 की कमाई की।
दोस्तों ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन 62 लाख रुपए $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए $210,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए $380,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए $240,000 और 1.23 करोड़ रुपए $150,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया जबकि अकेले हम अकेले तुम को फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों एक अनाम लड़का जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है राम जाने राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली विवेक मुश्रान को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान अब समीर सनावला टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है जिससे वह प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है।
राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्राल, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकलर इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर, भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए, $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2 लाख, $69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए, $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए, $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए, $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए, $6,40,000 की कमाई की। दोस्तों, ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन ₹62,00,000, $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में ₹1.78 करोड़ रुपए, $2,10,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए, $3,80,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए, $2,40,000 और 1.23 करोड़ रुपए, $1,50,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए, $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया, जबकि अकेले हम अकेले तुम को फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, एक अनाम लड़का, जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है, राम जाने, राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली, विवेक मुश्राल को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है, लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान, अब समीर सनावला, टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है, जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है,
तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वह प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवते घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है। राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं, जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्रान, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकल इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर, भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2,69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए $6,40,000 की कमाई की।
दोस्तों ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन 62 लाख रुपए $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए $210,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए $380,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए $240,000 और 1.23 करोड़ रुपए $150,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया जबकि अकेले हम अकेले तुम को फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों एक अनाम लड़का जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है राम जाने राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली विवेक मुश्रान को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान अब समीर सनावला टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है जिससे वह प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है।
राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्राल, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकलर इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए, $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2 लाख, $69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए, $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए, $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए, $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए, $6,40,000 की कमाई की। दोस्तों, ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन ₹62,00,000, $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए, $2,10,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए, $3,80,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए, $2,40,000 और 1.23 करोड़ रुपए, $1,50,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए, $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया, जबकि अकेले हम अकेले तुम को फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, एक अनाम लड़का, जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है, राम जाने, राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली, विवेक मुश्राल को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है, लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान, अब समीर सनावला, टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है, जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है,
तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वह प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवते घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है। राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं, जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्रान, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकल इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर, भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2,69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए $6,40,000 की कमाई की।
दोस्तों ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन 62 लाख रुपए $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए $2,10,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए $3,80,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए $2,40,000 और 1.23 करोड़ रुपए $1,50,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया जबकि अकेले हम अकेले तुम को फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों एक अनाम लड़का जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है राम जाने राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली विवेक मुश्रान को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान अब समीर सनावला टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है जिससे वह प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है।
राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्राल, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकलर इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए, $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2 लाख, $69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए, $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए, $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए, $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए, $6,40,000 की कमाई की। दोस्तों, ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन ₹62,00,000, $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में ₹1.78 करोड़ रुपए, $2,10,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए, $3,80,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए, $2,40,000 और 1.23 करोड़ रुपए, $1,50,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए, $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया, जबकि अकेले हम अकेले तुम को फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, एक अनाम लड़का, जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वो दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है, राम जाने, राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली, विवेक मुश्राल को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है, लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान, अब समीर सनावला, टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है, जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है,
तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वो प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है। राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं, जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्रान, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकल इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर, भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2,69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए $6,40,000 की कमाई की।
दोस्तों ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन 62 लाख रुपए $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए $210,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए $380,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए $240,000 और 1.23 करोड़ रुपए $150,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया जबकि अकेले हम अकेले तुम को फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों एक अनाम लड़का जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली विवेक मुश्रान को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान अब समीर सनावला टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है जिससे वह प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है।
राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्राल, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकलर इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर, भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए, $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2 लाख, $69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए, $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए, $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए, $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए, $6,40,000 की कमाई की। दोस्तों, ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन ₹62,00,000, $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में ₹1.78 करोड़ रुपए, $2,10,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए, $3,80,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए, $2,40,000 और 1.23 करोड़ रुपए, $1,50,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए, $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया, जबकि अकेले हम अकेले तुम को फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, एक अनाम लड़का, जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वो दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है, राम जाने, राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली, विवेक मुश्राल को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है, लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान, अब समीर सनावला, टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है, जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है,
तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वो प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है। राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं, जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्रान, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकल इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर, भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2,69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए $6,40,000 की कमाई की।
दोस्तों, ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन 62 लाख रुपए $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए $210,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए $380,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए $240,000 और 1.23 करोड़ रुपए $150,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया, जबकि अकेले हम अकेले तुम को फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, एक अनाम लड़का जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है, राम जाने, राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली विवेक मुश्रान को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है, लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान अब समीर सनावला टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है, जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वह प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है।
राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्राल, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकलर इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए, $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2 लाख, $69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए, $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए, $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए, $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए, $6,40,000 की कमाई की। दोस्तों, ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन ₹62,00,000, $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए, $2,10,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए, $3,80,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए, $2,40,000 और 1.23 करोड़ रुपए, $1,50,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए, $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया, जबकि अकेले हम अकेले तुमको फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, एक अनाम लड़का, जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है, राम जाने, राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली, विवेक मुश्राल को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है, लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान, अब समीर सनावला, टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है, जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है,
तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वो प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है। राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं, जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्रान, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकल इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर, भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2,69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए $6,40,000 की कमाई की।
दोस्तों, ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन 62 लाख रुपए $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए $210,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए $380,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए $240,000 और 1.23 करोड़ रुपए $150,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया, जबकि अकेले हम अकेले तुम को फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, एक अनाम लड़का जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वह दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है, राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली विवेक मुश्रान को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है, लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान अब समीर सनावला टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है, जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वह प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है।
राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्राल, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकलर इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए $1 और 70 सेंट मिलियन और अन्य देशों में $2,00,000 69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए $1 और 80 सेंट मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए $6,40,000 की कमाई की। दोस्तों, ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन ₹62,00,000 $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए $2,10,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए $3,80,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए $2,40,000 और 1.23 करोड़ रुपए $1,50,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया, जबकि अकेले हम अकेले तुमको फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, एक अनाम लड़का, जिसे उसके माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में त्याग दिया था, अपने गांव के दूसरे बच्चों से नाम न होने के कारण ताने सुनता है। एक दिन वो दुखी होकर एक पुजारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर पुजारी जवाब देता है, राम जाने, राम जाने, जिसे लड़का अपना नाम मान लेता है। राम जाने और उसके दोस्त मुरली, विवेक मुश्राल को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चेवटे पुनीत इस्सा द्वारा ट्रेन से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। चेवटे जेल में राम जाने की पिटाई करता है, लेकिन उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। सालों बाद राम जाने शाहरुख खान, अब समीर सनावला, टीनू आनंद के लिए काम कर रहा है, जो उसे अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन अब पदोन्नत इंस्पेक्टर चेवटे द्वारा सनावला की हत्या कर दी जाती है और जब राम जाने चेवटे को मारने का प्रयास करता है,
तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जेल से रिहा होने पर राम जाने को मुरली विवेक मुश्रान बेघर लोगों के लिए बनाए गए घर अपना घर ले जाता है। मुरली का मानना है कि यह उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मुरली और राम जाने के बीच अंतर दिखाना और ये दिखाना कि वे कैसे बने। अपना घर में ही राम जाने की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बेला जूही चावला से होती है, जिससे वह प्यार करता है। हालांकि अपना घर में भी राम जाने अभी भी एक अपराधी बना हुआ है और यहां तक कि घर के बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रभावित करने में भी कामयाब हो जाता है। अपना घर जल्द ही बवेजा जीपी सिंह के निशाने पर आ जाता है, जो राम जाने से बदला लेने वाला एक अपराधी है। बवेजा अपने गिरोह को अपना घर और उसके सभी निवासियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिसे राम जाने विफल करने में सक्षम होता है। राम जाने अंततः बवेजा के सिर में गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। चेवटे को बवेजा की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने हत्यारे को जेल में डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपना घर के पास जाता है और बच्चों में से एक को पीटना शुरू कर देता है, जिसके कारण मुरली और अन्य लोग चेवटे और उसके साथी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। दंगे में एक बच्चा मारा जाता है। मुरली इस त्रासदी के लिए राम जाने को दोषी ठहराता है और राम जाने भाग जाता है। वह बेला को अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला वास्तव में मुरली से प्यार करती है, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसकी भावनाओं का जवाब दे चुका है, क्योंकि उसे पता चला है कि राम जाने भी उससे प्यार करता है। मुरली बेला से राम जाने को सुधारने का प्रयास करने की विनती करता है। हालांकि उसे सुधारने की कोशिश करते समय बेला उसके आपराधिक तरीकों के कारण उसे नापसंद करने लगती है। भाव गुलशन ग्रोवर राम जाने का प्रतिद्वंद्वी और टेक्निकल पंकज कपूर राम जाने का पूर्व अपराध साथी राम जाने को मारने की साजिश रचते हैं, जो इस साजिश का पता चलने पर उन दोनों को मार देता है और अपने गुर्गों को किसी को भी मारने से रोकने के लिए अपना घर भागता है। आखिरकार चेवटे घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसे राम जाने द्वारा उन पर किए गए वर्षों के अत्याचार के बदले में गोली मार दी जाती है। राम जाने को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। अदालत फैसला करती है कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपना घर के लड़के राम जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए मरने की योजना बना रहा है। लड़कों को लगता है कि यह साहसी है और वे उसके आपराधिक नक्शे कदम पर चलने की योजना बनाते हैं। मुरली राम जाने से विनती करता है कि वह बहादुरी से न मरे, ताकि लड़के उसके रास्ते पर न चले, लेकिन राम जाने मना कर देता है। अपनी मृत्यु के दिन मुरली और लड़कों की मौजूदगी में राम जाने डर का नाटक करता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एक एक करके लड़के अपने लाल हेडबैंड हटाते हैं, जो राम जाने के गिरोह के सदस्य होने का प्रतीक है। उसकी मृत्यु के बाद बेला और मुरली राम जाने का एक पत्र पढ़ते हैं, जो उसने बेला को लिखा था। इसमें लिखा है कि वह अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करता है और उसने जानबूझकर बेला को उसे छोड़कर मुरली के पास वापस जाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान, राम जाने, जूही चावला, बेला, विवेक मुश्रान, मुरली, पंकज कपूर, पन्नू टेक्निकल इंस्पेक्टर चेवटे के रूप में पुनीत इस्सा, टीनू आनंद, समीर सनावला, देवेन वर्मा, दद्दू अंकल, गुलशन ग्रोवर, भाव, जीपी सिंह, बावेजा बिल्डर, अरुण बाली, पाववाला बाबा, अमृतपाल मिर्ची के रूप में चंदू पारखी, शराबी ब्राउनी पाराशर, अमर के रूप में अली असगर, जूनियर पन्नू साबिर, सरगम गैंग के रूप में जावेद रिजवी। तो अब मैं आपको इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, राम जाने ने भारत में 14.50 करोड़ रुपए $1.70 मिलियन और अन्य देशों में $2,69.50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 15.19 करोड़ रुपए $1.80 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 3.75 करोड़ रुपए $4,50,000 था। दुनिया भर में इसका ओपनिंग वीकेंड 2.99 करोड़ रुपए $3,60,000 रहा और इसने अपने पहले हफ्ते में 5.30 करोड़ रुपए $6,40,000 की कमाई की।
दोस्तों ये गुरुवार 30 नवंबर 1995 को आमिर खान अभिनीत अकेले हम अकेले तुम के साथ 175 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती दिन 62 लाख रुपए $74,000 की शुद्ध कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1.78 करोड़ रुपए $210,000 की शुद्ध कमाई की। इसका पहला सप्ताह 3.15 करोड़ रुपए $380,000 का था और इसने क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे सप्ताह में 1.97 करोड़ रुपए $240,000 और 1.23 करोड़ रुपए $150,000 की शुद्ध कमाई की। फिल्म ने कुल 8.60 करोड़ रुपए $1 मिलियन की शुद्ध कमाई की। यह एकमात्र ऐसा समय है जब शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई। राम जाने पहले दिन से ही आगे थी और पूरे रन के दौरान वही रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट का दर्जा दिया गया जबकि अकेले हम अकेले तुम को फ्लॉप घोषित किया गया। ये शाहरुख खान की प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें उनके अभिनय की सराहना की गई। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी का संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीग्राम अब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया पर उपलब्ध है। रिलीज होने पर राम जाने और फेंक हवा में एक चुम्मा लोकप्रिय हो गए। तो दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त मूवी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी एक बार इस मूवी को जरूर देखें।